जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आगे बढ़ाएंगे। 5 और 6 पेज नंबर है वो हमने कर लिया था, अब 7 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस गिव अस द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स एक्शंस। मॉनिटर, अ मॉनिटर हैज़ अ स्क्रीन शोस अस द आउटपुट। द ओल्डर बंकी मॉनिटर्स आर CRT मॉनिटर्स। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आर मोर कॉमन नाउ। दे आर सिमिलर देन CRT मॉनिटर्स, हीट अप लेस एंड हैव बेटर डिस्प्ले क्वालिटी। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के कार्यों के परिणाम हमें देते हैं। मॉनिटर में एक स्क्रीन होती है जो आउटपुट दिखाती है हमें। पुराने और भारी भरखम जो मॉनिटर होते हैं उसको CRT मॉनिटर कहते हैं। आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, CRT मॉनिटर है वो ऊपर वाला है जो भारी है और बड़ा भी है। उसके नीचे फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है वो छोटा है और वो है स्लिमर होता है, मतलब पतला होता है। ये बड़े CRT मॉनिटर की क्वालिटी है उससे अच्छी फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर की क्वालिटी होती है और ये हीटलेस मतलब कम गर्मी देता है, इसलिए फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है वो अच्छा होता है। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर्स हेल्प अस टेक प्रिंट आउट हार्ड कॉपीज। देर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र। प्रिंटर है वो हमें सॉफ्ट में से हार्ड कॉपी लेने में मदद करते हैं और तीन प्रकार के यहाँ पे प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र। द टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रिंटेड बाय अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स। अ डॉट इज प्रिंटेड व्हेन अ मेटल पिन पुशेस एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर स्लो एंड नॉइजी एंड डू नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंट आउट्स। टेक्स्ट और इमेज के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होते हैं, उसमें स्मॉल डॉट्स होते हैं। उसमें एक धातु होती है वो पेज को पिन करके आगे धकेलता है तो उसमें डॉट जैसा बन जाता है और वो डॉट है वो उसी में रंग जाता है। यह प्रिंटर थोड़े स्लो और आवाज़ करने वाले होते और ये उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत गुड नहीं होती, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर मोस्टली यूज टू प्रिंट इन अ सिंगल कलर, यूजली ब्लैक। दे आर ऑफ्टन यूज टू प्रिंट बिल्स इन शॉप्स। दे आर जनरली नॉट यूज टू प्रिंट पिक्चर्स। यह प्रिंटर ज़्यादातर एक ही रंग के होते हैं, सिंगल कलर, कौन सा तो ब्लैक कलर का होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर दुकानों में बिल बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पिक्चर मतलब इमेज लेने के लिए नहीं किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर स्प्रे टीनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन पेपर टू प्रिंट। दे प्रोड्यूस मच बेटर प्रिंट आउट्स देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड दे आर फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। दे कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट और कलर। यह इंकजेट प्रिंटर है वो स्प्रे करने के लिए कागज़ में छोटी सी बूंदे स्प्रेड करते हैं। इंकजेट प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से थोड़े अच्छे होते हैं और इसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है और ये भी ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर कर सकते हैं। मतलब ब्लैक प्रिंट करनी हो ब्लैक एंड वाइट तो इसमें होगी, रंगीन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर एट में है लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स गिव गुड क्वालिटी प्रिंटआउट्स इन ब्लैक एंड वाइट और कलर। दे आर फास्टर देन इंकजेट प्रिंटर्स। इनसाइड द प्रिंटर द इमेज टू बी प्रिंटेड इज फॉर्म्ड यूज्ड अ स्पेशल लाइट फॉर अ डिवाइस कॉल्ड अ लेज़र। दिस इमेज गेट्स प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ पावर्ड इंक कॉल्ड टोनर।
लेज़र प्रिंटर है वो अच्छी क्वालिटी वाले ब्लैक एंड वाइट और दूसरे कलर में भी होते प्रिंटर है। इसमें ये इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट है। प्रिंटर के अंदर एक इमेज होती है, उसके हिसाब से वो लाइट स्पेशल लाइट देता है और उसकी वजह से उसको लेज़र प्रिंटर बोला जाता है। तो वो स्पेशल लाइट देता है और उसके बाद उसकी प्रिंट निकलती है। उसमें एक टोनर नाम का जो पाउडर आता है वो पेपर पे पड़ता है और उसमें से वो इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया लेज़र प्रिंटर। प्लॉटर। अ प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स इमेज यूजिंग अ मूविंग पेन। इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट ड्राइंग्स एंड प्लान्स इन लार्ज साइजेस। प्लॉटर्स कैन प्रिंट ऑन शीट्स ऑफ पेपर, प्लास्टिक, प्लेवुड और मेटल। दे आर क्वाइट स्लो एंड आर नॉट यूज्ड फॉर रेगुलर प्रिंटिंग टास्क। दे आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट टू प्रिंट बिल्डिंग प्लान्स। इंजीनियर्स एंड डिजाइनर यूज देम टू प्रिंट डिजाइंस ऑफ मशीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइसेस है। वो क्या करता है तो मूविंग पेन की मदद से इमेज ड्रॉ करता है। यह है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं ना, तो उसमें आर्किटेक्ट होते हैं ना, वो इंजीनियर और वो सब उसको डिजाइन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बड़े उसमें पेपर प्लास्टिक ऐसा बनता है, लार्ज साइज में, बड़ी साइज में बनता है। ये बड़े बड़े नक्शे बनाने होते हैं ना बिल्डिंग के लिए वो सब, तो उसमें ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें नक्शा बनाने के बाद वो प्रिंटर जब निकलती है तो वो प्लॉटर में से आती है, तो इस तरह से प्लॉटर का उपयोग होता है। उसके बाद है प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर हेल्प्स अस शो अ लार्ज इमेज ऑफ व्हाट अपीयर्स ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर। दिस इमेज इज यूजली शोन ऑन अ लार्ज वाइट स्क्रीन और अ वॉल। मतलब ये प्रोजेक्टर है वो कहाँ पे उपयोग होता है, तो वॉल में डायरेक्ट उसकी छवि जाती है ना, उस तरह से बड़ा स्क्रीन बन जाता है, तो प्रोजेक्टर ऐसे उपयोग होता है। प्रोजेक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन एंड फॉर टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। ज़्यादातर उपयोग कहाँ होता है प्रोजेक्टर का, तो स्कूल में जैसे प्रेजेंटेशन किया तो वो दिखाने के लिए और टीचिंग करने के लिए हम करते हैं ना यूज़, वही है ये प्रोजेक्टर। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू शो पिक्चर्स एंड वीडियोस। हम ज़्यादातर पिक्चर्स और वीडियो दिखाने के लिए, देखने के लिए ये प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। मैनी पीपल मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तब। ठीक है, आप इसमें सामने पिक्चर है उसमें भी देख सकते हो प्रोजेक्टर, और सामने दिखाई दे रहा है वॉल पर, दीवार पर दिखाई देता है। इसके बाद लास्ट है स्पीकर्स एंड हैंडफोन्स। दिस आर आउटपुट डिवाइसेस दैट हेल्प्स अस लिसन टू म्यूजिक एंड अदर साउंड्स। यह है वो आउटपुट डिवाइस में आता है स्पीकर्स एंड हैंडफोन, और वो म्यूजिक सुनने के लिए काम आता है। ठीक है, तो म्यूज़िक सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर और हेडफोन्स। हेडफोन्स से वो कान में लगाने पड़ते हैं और स्पीकर है वो ऐसे ही बजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। अब पेज नंबर 10 ओपन करना है। नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट है एन इनपुट डिवाइस दैट हैज़ कीज फॉर टाइपिंग। टाइपिंग करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग करोगे, तो यहाँ सामने आंसर आएगा कीबोर्ड। उसके बाद सेकंड है अ प्लेस वेयर बारकोड स्कैनर्स आर यूज्ड। तो बारकोड स्कैनर का एक प्लेस, तो काउंटर ऑफ शॉप, शॉप के काउंटर में उपयोग होता है। उसके बाद थर्ड वन है वन थिंग दैट इज प्रिंटेड यूज अ प्लॉटर। तो यहाँ पे एक यूज लिखना है प्लॉटर का, तो प्रिंट बिल्डिंग प्लान्स। तो हम बिल्डिंग प्लान करते हैं तो उसमें प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है द पाउडरेड इंक यूज्ड इन अ लेज़र प्रिंटर। तो हम लेज़र प्रिंटर में कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा टोनर। उसके बाद फाइव है ओल्डर बंकी मोनिटर्स, पुराने और भारी भरकम मोनिटर्स का नाम, तो कौन सा है CRT मोनिटर्स। यह आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखना है, इसकी नोटबुक नहीं बनानी और नोटबुक में भी नहीं लिखना है। ठीक है,